ममता सरकार में सरेआम पूरा देश देख रहा है कि कोई भी नौजवान एक मतदान पेटी को लेकर दौड़ लगा रहा है, बराती हाथ में बम लिए घूम रहे हैं, मतदान केंद्रों पर हिंसा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अब तक लगभग 26 लोगों की हत्या हुई है। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं कि इस कायरतापूर्ण हिंसा के बावजूद भी वो जमीन पर खड़े हुए हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं, क्या जांच इस बात की भी नहीं होनी चाहिए कि क्या ये हिंसा घुसपैठिए फैला रहे, किस हिंसा के पीछे है कौन, इसका जिम्मेदार कौन है, जिसे लोग मतदाता के तौर पर, ढाल के तौर पर और हथियार के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ममता सरकार को और ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा। और मैं आपके माध्यम से ये मांग भी करता हूँ कि जांच होनी चाहिए तो इसकी होनी चाहिए, इस हिंसा के पीछे कौन है, सरकारी तंत्र राज्य का या वो घुसपैठिए। तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। और इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं की इस बहादुरी के लिए उनको नमन करता हूँ। देखिए, शुभेंदु वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात उन्होंने अगर कही है तो मुझे लगता है कि अपनी जगह पर निश्चित रूप से सही होगी। लेकिन इसलिए मैं भी ये बात उसको दोहराता हूँ, और मुझे लगता है कि कमोबेश दोनों की भावना एक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हिंसा राज्य संरक्षण में हो रही है या फिर घुसपैठिए इसके पीछे है, इस की भी जांच होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि तब के उसके बाद ये सही फैसला होगा कि वास्तव में कार्रवाई होनी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 13 से लेकर 23 तक का, इन 10 वर्षों में 100 से ऊपर लोगों की हत्याएं हुई हैं रिकॉर्डेड। वो जो रिकॉर्डेड नहीं है उनकी तो आप बात छोड़ दीजिए। हम वामपंथियों की हत्या के राजनीति का विरोध करते रहे, अब हम तृणमूल की हत्या की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये फेस सेविंग या ये बातें कोई स्वीकार करेगा देश के भीतर? पूरा देश देख रहा है कि सरेआम पेटियां लूटी जा रही है, लोगों को बूथ पर गोलियां मारी जा रही हैं, लोग सरेआम बम लेकर वहां पर हमले कर रहे हैं, इस हिंसा को देश देख रहा है। तो इसलिए ये फेस सेविंग से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये गंभीरता के साथ विचार करना होगा कि राज्य के सुरक्षा में अगर ये हिंसा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक लोकतंत्र में कुछ और नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि घूम फिर कर हम उसी बात पर जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से इस बात की अब गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हिंसा का ये क्रम अगर और रहता है तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है, चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें देश के सामने आ रही हैं, इसलिए डिबेट नहीं। और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, बलिदान वो दे रहा है। तृणमूल पर हत्या के आरोप हैं, हिंसा के आरोप हैं, और इसलिए मुझे लगता है इस पर बहस नहीं हो सकती।